स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। एलपीजी पॉलिसीज जो हमने पढ़ा है पहले कि एल हम रिप्रेजेंट करते हैं लिबरलाइजेशन, पी हो गया प्राइवेटाइजेशन, जी हो गया ग्लोबलाइजेशन। इन ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लागू की थी तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि इसका हमारी इकॉनमी पे के अच्छा असर पड़ा या बुरा असर पड़ा, कुछ मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं, उसके ऊपर हम आज नज़र डालेंगे। तो ये आम आदमी के अगर हिसाब से हम देखेंगे तो हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है कि हमारी इकॉनमी डाउन डिग्रेड हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी, उसमें जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई तो अब हमारी इकॉनमी जो है ग्रोथ करेगी। एक आम आदमी के लिए इतना बहुत सफिशेंट है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई तो हम ग्रो करेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उनके ओपिनियन में ये जितने भी चेंजेस हैं कि ये हमारे फेवर में हैं या नहीं हैं, इसके कितने सारे मेरिट्स हैं, कितने डिमेरिट्स हैं, कि ये सारे जो इसमें चेंजेस लाई गई हैं ये अप्रिशिएटेबल हैं, ये अप्रिशिएट की जा सकती है, अंडरस्टैंड की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। तो बहुत सारे ये रीडर जो हैं, तो खासकर जो हमारे 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये जो चेंज लाई गई है, इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाई गई है या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं, ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने नुकसानदेह यानी साबित हुए बाद में, तो इसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो द टर्म एल पी जी पॉलिसीज रेफर्स टू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एल पी जी ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस का फार्मूला नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एन अप्रेजल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 that a reader appreciates or understands the merits and demerits of the new economic policy or he analyzes the positive impact or negative impact of this policy on the Indian economy. एन अप्रेजल ऑफ एल पी जी पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया? द टर्म एल पी जी पॉलिसीज रेफर्स टू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एन अप्रेजल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 दैट अ रीडर
appreciates or understands the merits and demerits of the new economic policy, or he analyzes the positive impact or negative impact of this policy on the Indian economy. कि इंडियन इकॉनमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा या बोथ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी इसके हमें मेरिट भी मिले और डिमेरिट्स भी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बना है। कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपने तो देखा नहीं, जो उस टाइम के लोग हमको पता था कि हमारी इकॉनमी जो काफ़ी डाउन हो गई थी, हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 8.5% तक पहुंच गया था, महंगाई हमारा जो महंगाई साथ में हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स थे, जो हमारा डेबिट था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इनकम कम थी, तो हम अपने काम चलाने के लिए क्या करते थे, बारो करते थे, लोन लेते थे, और लोन इतना ज़्यादा हो गया कि उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, जो हम वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेते थे उसकी इंस्टॉलमेंट देने की भी कंडीशन में नहीं थे, कि फॉरेन रिजर्व हमारे पास एक दो हफ्ते के लिए ही थे कि उतना ही गुजारा था जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया। तो उसमें जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो है हमारा नंबर वन आ गया, अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। कि इंडियन इकॉनमी जो पहले डिग्रेडेड थी, डिप्रेस्ड थी, उसमें थोड़ा सा तेजी आ गई, वाइब्रेंट, बहुत अच्छी इकॉनमी हो गई इंडियन ड्यू टू दिस पॉलिसीज जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकॉनमी जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लग गई। यहाँ तक कि हमारे जो ग्रोथ रेट जो एस्टीमेट किया गया वो आ गया कम से कम 8% एस्टिमेटेड, यानी 8% ऑफ द टोटल GDP, कि हमारी जो इकॉनमी है किस रेट से ग्रो करेगी 8% ऑफ GDP। और बहुत सारे इकॉनमिस्ट इस सोच के भी थे कि हमारी इकॉनमी जो बहुत जल्द 9-10% जो है ग्रो करने लग जाएगी। तो इसलिए जो LPG का असर पड़ा, LPG पॉलिसीज का जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो पड़ा हमारी इकॉनमी पे, जिससे हमारी इकॉनमी जो एक डेफिनेट यानी पक्के रास्ते से, एक ग्रोथ के रास्ते से चल पड़ी, जिससे हमारी इकॉनमी यानी दुनिया में गिनी जाने वाली इकॉनमी में से शामिल हो गई। कि एक अच्छी इकॉनमी, बहुत सारे देश बाहर से आके हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, जिसमें उनके पैसे को डूबने का कोई डर नहीं रहा, कि सब लोग चाहते थे कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करें, यानी ऐसी सिक्योरिटी हो गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद। तो उसके बाद आ गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जो पॉजिटिव असर पड़ा, नंबर टू, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर थी, जो बीमारू इंडस्ट्रीज थी, यानी सब घाटे में चल रही थी, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इसके लिए एक स्टिमुलेट हो गई, स्टिमुलेट हो गया कि हमारा जो काम है उसको और तेज़ी दे दी उसने, जो इकॉनमी घाटे में चल रही थी उसमें एक इसने प्रमोटर का काम कर दिया, हमारी जो रेस स्पीड थी उससे और कई ज़्यादा उसको तेज़ कर दिया। स्टिमुलेट होता है किसी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, यानी इकॉनमी की स्पीड को हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इसको बढ़ावा दे दिया, उसमें हमारी इकॉनमी जो है ग्रो करने लगी एक फास्टर स्पीड पे। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एकदम से कोई 10% ऑफ द जो है इसकी प्रोडक्शन जो है बढ़ गई एकदम से, एक स्टिमुलेंट यानी अचानक तेज़ी मिल गई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को। उसके बाद नंबर थ्री,
a check on fiscal deficit. जो फिजिकल डेफिसिट यानी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज ग्रेटर देन द रेवन्यू, तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और रेवन्यू कम था, तो एक्सपेंडिचर यहाँ तक कि 8.5% तक पहुँच गया था जो फिजिकल डेफिसिट था, जो कम से कम 5% के अराउंड रहना चाहिए जिससे इकॉनमी ठीक ग्रो करती है, लेकिन ये 8.5% हो गया था फिजिकल डेफिसिट। इसमें भी एक चेक आ गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई 1991 में, तो उसमें सबसे पहले आ गया वाइब्रेंट इकॉनमी, हमारी इकॉनमी को एक अच्छी इकॉनमी बन गई, उसको स्टिमुलेट मिल गया, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा पीछे चल रहा था उसमें इसको एक स्टिमुलस मिल गया, इसमें प्रमोशन मिल गई, और साथ में जो फिजिकल डेफिसिट हमारा जा रहा था इतना ज़्यादा जा रहा था कि जो हमारा कर्जा बढ़ता ही जा रहा था उसमें भी चेक हो गया, ब्रेक लग गया, उसमें भी रुकावट आ गई, यानी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है जो 8.5% था वो नीचे आके 5% के आसपास हो गया। तो उसके बाद है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन नंबर 4, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन हो गया, अ चेक ऑन राइजिंग प्राइसेस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लागू हो गई 1991 में, उसको क्या था कि हमारी सारी इंडस्ट्री जो है उसका आउटपुट प्रोडक्शन वगैरह सारा कम चल रहा था, सही काम कहीं पर भी नहीं हो रहा था, तो हमारी महंगाई जो थी, चीज़ों की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लागू होने से इस इन्फ्लेशन पे यानी महंगाई पे भी काफ़ी कंट्रोल हो गया। उसके बाद है जो महंगाई दर जो थी ना 4.5% के आसपास आ गई, ये भी नियरली 8-9% तक बढ़ गई थी, 16-17% तक बढ़ गई थी। उसके बाद आ गया नंबर 5, कंज्यूमर सावर्निटी। कंज्यूमर सावर्निटी क्या हो गया, तो कंज्यूमर जो पहले उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते थे, कुछ ब्रांडेड कुछ ही एक आध कंपनीज के माल मिलते थे हमारे, जब इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं की थी तो जो प्रोडक्ट था उसके प्रोड्यूसर जो बहुत कम थे, मार्केट में जो चीज़ मिलती थी उसी में सब लोग गुजारा करते थे। हम आपको एक एग्जांपल दे देंगे कि जब हम 1990 में जब हमारी मार्केट में टीवी कूलर वगैरह ये कारें वगैरह चल पड़ी, तो टीवी खरीदना बहुत मुश्किल होता, इतना महंगा था, क्योंकि उसके उसमें बहुत कम प्रोड्यूसर थे उस प्रोडक्ट के, यानी टीवी प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे बहुत कम लोग थे, जिसकी वजह से हमें जो मार्केट में मिलता था वही उसी से गुजारा करना पड़ता था। लेकिन आज उसके मुकाबले में आज आप देखेंगे कि अगर हम टीवी ले लेंगे उसकी कितनी वैरायटी मार्केट में आ गई है कि आदमी को जो चॉइस है वो पसंद करके खरीद सकता है, कीमत भी उसकी बहुत ज़्यादा कम है। वो इसलिए है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ गई, और इनकी कंपटीशन की वजह से एक तो प्राइस पर भी कंट्रोल हो गया और साथ में क्वालिटी जो है वो भी अच्छी हो गई है। तो इसलिए कंज्यूमर सावर्निटी, कंज्यूमर्स को आज़ादी है कि कौन से कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन अच्छा, यानी सभी प्रोडक्ट जो है अच्छे हैं, अब उसकी मर्जी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसी तरह से गाड़ियाँ जो थी पहले लिमिटेड ब्रांड यानी मॉडल मिलते थे, लेकिन आज की डेट में इतनी कंपनीज हो गई हैं, इतने डिफरेंट मॉडल मार्केट में आ गए हैं कि जिसको जो मर्जी आती है वो खरीदता है। हर एक फील्ड में आप देखेंगे, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, कंज्यूमर गुड से लेके ड्यूरेबल गुड से लेके कोई भी सामान जो है आप देखेंगे मार्केट में अब इतना कंपटीशन हो गया कि मर्जी से आप खरीद सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, रेट सबके यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ज़्यादा महंगी, अगर जो चीज़ ज़्यादा महंगी तो आप आदमी के पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है।
उसके बाद जो आ गया लेटेस्ट ट्रेंड जो आजकल हमारे पास मोबाइल जो है, एक वक्त था एक सिंपल सा मोबाइल खरीदना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज तो बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल जो है 3,000-5,000 से स्टार्ट होके कि जिसमें पूरी दुनिया का फंक्शन है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये आ गया कंज्यूमर सावर्निटी। उसके बाद आ गया नंबर 6, अ सबस्टांशियल इंक्रीज इन फॉरन इंक्रीज इन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें बहुत सारी बढ़ोतरी होगी, जो हमारे पास एक वक्त यानी फॉरन रिजर्व्स, फॉरन यानी इंपोर्ट के लिए हमारे पास 2 हफ्ते के लिए भी फॉरन रिजर्व नहीं था, तो आज इसमें अच्छी यानी इसमें इंक्रीज़ हो गया है। अब सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि फॉरन एक्सचेंज हमें ज़रूरी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास उसी जिस कंट्री से जिस करेंसी में हम सामान खरीदेंगे वो करेंसी तो हमारे पास चाहिए उसको पे करने के लिए, तो इसलिए हमारा जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ गया। किसकी वजह से? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, यानी इसी पॉलिसी की वजह से, LPG की पॉलिसी की वजह से, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद आ गया फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद ये भी बढ़ गया कि पहले जो हमारी इकॉनमी थी डिग्रेडेड इकॉनमी थी, डिप्रेस्ड इकॉनमी थी, जिसमें लोग डरते थे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत थी, पाबंदियाँ बहुत थी, गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ती थी, अब वैसी कोई पाबंदियाँ है नहीं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी जो आके अपने यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना कोई यूनिट वगैरह प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं या कहीं किसी पार्टनरशिप या इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना काम कर सकते हैं, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद आ गया नंबर 7, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इंडिया एक न्यू इकोनॉमिक पावर की हैसियत से मर्ज किया, इसने ऐसे अपने आप को प्रेजेंट किया नई इकोनॉमिक पॉलिसी की लागू होने के बाद कि बहुत जो गिने चुने इकोनॉमिक पावर्स हैं वर्ल्ड में उनमें हमारी गिनती होने लगी। आज तो हमारा इकॉनमी जो है टॉप 10 में से हम इंक्लूड हैं, तो ये भी इस प्राइवेटाइजेशन की ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लागू होने की वजह से ये एक हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद है अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट।
जो हमारे पास मोनोपोली मार्केट थी, यानी मोनोपोली सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की थी, गवर्नमेंट की थी, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स किसके कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जो सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में थे उनके ऊपर भी बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी, जो पाबंदियाँ वगैरह थी, उसकी वजह से वो भी उनकी अपनी एक मोनोपोली थी, क्योंकि उसका कंपटीटर कोई मार्केट में नहीं था। लेकिन जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई, ये सारी रिस्ट्रिक्शन को जब हटाया गया, तो हमारी मोनोपोली मार्केट से कौन सी मार्केट हो गई, हमारी कंपटीटिव मार्केट। कंपटीटिव मार्केट का मतलब हो गया बहुत सारे प्रोड्यूसर मार्केट में आ गए, आपस में उनका कंपटीशन हो गया कि हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज है, एक बोलता है मैं ही ज़्यादा अच्छी तैयार करूँ, दूसरा अपनी तरफ से कोशिश करता कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बिके, उस ज़्यादा बिकने के लिए उसको अपना जो मार्केट कंपटीशन बढ़ जाता है, अपनी चीज़ें जो है अच्छी तैयार करते हैं, रेट भी नॉर्मल फिक्स करते हैं, जिससे कंज्यूमर को वो लुभा सकते हैं, तो कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी तो मार्केट को बढ़ाने के लिए आजकल आप देखते हैं, सबसे पहले एक तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी चीज़ है कि जो अपनी ब्रांड को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करते हैं कि मेरा ही ब्रांड ले लो, कि मेरा ही ब्रांड सबसे अच्छा है। लेकिन आज का कंज्यूमर जो है अवेयर है, उसको पता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं, कि मार्केट के हिसाब से, यानी उसको उतना नॉलेज है। तो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा, हमारी जो मोनोपोली मार्केट थी वो एक कम्पिटिटिव मार्केट में बदल गई। किसकी वजह से? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हमने लाए, जो हमारे रिफॉर्म्स लाए, जिसमें सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन कर दिया, जहाँ पर पहले लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, फिर प्राइवेटाइजेशन हो गई, जहाँ पर कोटास की बात होती थी, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर परमिट की ज़रूरत होती थी, ये सारी चीज़ें हटा के, तो ये डिफरेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारी इकानमी पे पड़े। उसके बाद आ गया, आप देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से पड़े हमारी इकानमी पे। नंबर टू, पहले पढ़ा था मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। नेगेटिव इम्पैक्ट के ये आते तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के हमारी इकानमी में अच्छा हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से, जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें इसका नेगेटिव असर भी पड़ा, तो उसमें सबसे पहले आता है नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या है, ज़्यादा जोर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे दिया गया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी डेवलपमेंट नहीं की। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि बहुत कुछ ज़्यादा देर तक हमारी इकानमी जो है ग्रो नहीं करेगी, अगर हम हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने ग्रो नहीं किया। ये साथ साथ में अगर चलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम ग्रो करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसी के साथ ग्रो होगा, पहले बिजनेस सेक्टर भी एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट किया, जिससे हमारा इसमें आउटपुट जो प्रोडक्शन कम हो गया। यानी जैसे इसके हमारे पास जो नई नई टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सारा ध्यान चला गया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे या टेरिटरी सेक्टर पे। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, साथ में उधर पड़ेगी टेरिटरी सेक्टर जो इंटरलिंक्ड है तीनों। लेकिन अगर आप एक पे ध्यान देंगे बाकी पे ध्यान नहीं देंगे, तो भी हमारी इकानमी जो है ग्रो नहीं करेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जैसे इसमें हमने इरीगेशन की ज़रूरत थी, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, पावर, रोड्स,
उसके बाद आ गया मार्केट लिंकेजेस, या इसमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि सबसे पहले इरिगेशन, क्योंकि आजकल जो मौसम है बारिशें टाइम पे नहीं होती तो फसल जो है ख़राब हो जाती है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इरिगेशन फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होगी, जो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर इतना नहीं ध्यान दिया। पावर जो है वो मेन रोल प्ले करती है हर एक सेक्टर में, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रोड्स यानी मार्केट लिंकेजेस, अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान लेना है उसके लिए तो रोड्स चाहिए, मार्केट चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च वगैरह उसके ऊपर भी काम जोर दिया गया, जिसकी वजह से इस सेक्टर को नेगलेक्ट करने की वजह से जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे हमारी इकॉनमी पे भी असर पड़ सकता है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा देर तक ग्रो नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहला एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। उसके बाद आ गया नंबर टू, अर्बन कंसेंट्रेशन। ऑफ ग्रोथ प्रोसेस दूसरा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया गया तो लोग रूरल एरिया से लोग भाग के काम की तलाश में अर्बन सेक्टर में ज़्यादा चले, शहरी इलाकों में भाग कर चले गए काम की तलाश में, जहाँ पर शहरों में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ बन गई है, काम करने वालों की इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पर भी उनके लिए यानी जीना जो है मुश्किल हो जाता है कि इतनी जो आबादी जो है यानी गांव में जब काम नहीं मिलेगा तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शहरों के लिए ये मुश्किल हो जाता है हर चीज़ प्रोवाइड करना, पानी बिजली। तो किराए आप देखते हैं कि स्ट्राइक होते रहती है कि हमें नहीं पानी मिलता है ना बिजली मिलता है। तो इसलिए एक जगह आपके लिए जब सभी लोग भाग के चले जाएंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट नहीं, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसका। उसके बाद आ गया नंबर थ्री, इकोनॉमिक कोलोनिज्म। कोलोनिज्म एक कोलोनिज्म का 200 साल तक हम गुलाम रहे, पॉलिटिकल कोलोनिज्म जो थी ब्रिटिश रूलर्स के, हम 200 साल तक गुलाम रहे। अब आगे इकोनॉमिक कोलोनिज्म, यहाँ पर भी अलग अलग से ग्रुप बन गए हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही बात नहीं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर से आती हैं हमारे देश में, जो इंडस्ट्रीज है उनका बढ़ावा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका जो गुड्स भी अच्छी है, उनके रेट्स भी सस्ते हैं, तो उनका माल ज़्यादा बिकता है, जबकि हमारे जो गुड्स है उसके मुकाबले में हमारा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं, वैसी गुड्स एंड सर्विस तैयार कर सके, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री पर उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आ गया नंबर फोर, लॉप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लॉप साइडेड ग्रोथ के यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स सबको एक साथ आगे इसका असर नहीं मिला, कुछ लोगों ने तरक्की कर दी, कुछ लोगों को तरक्की नहीं मिली, कि इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नहीं हुई, इसका एक ये भी रीज़न है। उसके बाद कल्चरल इरोजन, कल्चरल इरोजन जो हमारा कल्चर जो था, हमारे देश की जो सभ्यता थी उसमें इसका बड़ा फर्क पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। हर एक फील्ड में जो मॉडर्नाइजेशन आ गई तो हमारा जो कल्चर आइटम जो थी, हमारी जो
खानदानी जो विरासत में जो चीज़ें थी उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसी तरह से जो ये बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन ओवरऑल जो है ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लागू की गई, हमारी इकॉनमी इसमें दोबारा रिवाइव हो गई, एक दुनिया की जानी मानी इकॉनमी में गिनी जाती है। आज की डेट में हमारी इकॉनमी का टारगेट, एस्टिमेट टारगेट जो रखा गया था ग्रुप, वो 10% ऑफ जीडीपी का रखा गया था, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 हमारी इकॉनमी जो है, पूरे वर्ल्ड की जो इकॉनमी है, काफ़ी डाउन हो गई है, 1% से भी नीचे चली गई थी हमारी ग्रोथ रेट जो है। लेकिन फिर भी अब नया स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है कि मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, हर चीज़ हम बाहर से ना खरीद के अपने ही सामान को तैयार करेंगे, अपने ही सामान को दूसरे देशों को भी बेचेंगे, जिससे हमारी इकॉनमी जो है और ग्रो करेगी। तो ये LPG का ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा, तो हमारी इकॉनमी ने इसमें डेवलपमेंट भी की, ग्रो भी किया, और हमारी जो हालत जो है पहले से काफ़ी अच्छी हो गई। तो इस तरह से ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे LPG के। आप ये भी याद करेंगे अच्छी तरह से कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज के बारे में भी पूछा जा सकता है, या आपको पूछा जा सकता है कि फीचर्स पूछे जा सकते हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछे जा सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स जो हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में इसके फीचर्स अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका होता ही होता है। थैंक यू।